नमस्कार, पार समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चमोली से बड़ी खबर, चारों तरफ बची बर्फ की सफेद चादर। बर्फ से ढका श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, बर्फ काटकर बनाया जाएगा हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता। 20 अप्रैल से शुरू होगा रास्ता बनाने का काम। 25 अप्रैल से खुलने हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। तो बड़ी खबर चमोली से इस वक्त सामने आ रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से चारों तरफ यहां पर सफेद बर्फ की चादर बची हुई नजर आ रही है। बर्फ से श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ढका हुआ नजर आ रहा है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी ये देखने है तस्वीर क्योंकि 25 अप्रैल से ही हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं और इसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की जानी होंगी क्योंकि अब 25 अप्रैल से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। और इस बीच ये तस्वीर सामने आई है, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई नजर आ रही है। बर्फ से पूरा श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ढका हुआ नजर आ रहा है। बर्फ काटकर हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता बनाया जाएगा, इसको लेकर व्यवस्थाएं की जाएंगी क्योंकि 25 अप्रैल को ही हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। 20 अप्रैल से रास्ता बनाने का काम शुरू हो जाएगा, यानी कि 4 दिन पहले से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। व्यवस्थाओं को पुख्ता तौर पर पूर्ण कर लिया जाएगा। चमोली से बड़ी खबर आपको बता रहे, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई। को प्रेजेंटेड बाय घड़ी।